आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें बोला गया है इवोल्यूशन इन विच द एनिमल ऑफ टू डिफरेंट जीन इकोलॉजी शो टू मच सिमिलैरिटी विद वन अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन इज टर्म्ड एज और सिमिलरिटी डेवलप्ड इन इंडिस्टेंसली रिलेटेड ग्रुप एज एन अडेप्टेशन टू द सेम फंक्शन। मतलब जो डिस्टेंसली रिलेटेड ग्रुप से हम क्या समझते हैं, मतलब डिफरेंट इंसेस्टर, जिन ग्रुप्स के इंसेस्टर अलग अलग होते हैं उनके अंदर सिमिलरिटी डेवलप्ड हो जाती है, वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो किसके कारण होता है, किस अडेप्टेशन के कारण होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल इवोल्यूशन, सेकेंड जो ऑप्शन दिया गया रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, थर्ड है प्रोग्रेसिव एंड द फोर्थ वन इज कन्वर्जेंट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन का क्या होता है, जब जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इवोल्व एक साथ इवोल्व होती हैं तो उसको पैरेलल इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये एक ऑप्शन गलत है। सेकंड है रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को समझ लेते हैं, उसके बाद रिट्रोग्रेसिव पे आएंगे, ठीक है? तो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का क्या मतलब है, इन प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन जो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनिज्म की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, एडवांस करेक्टरिस्टिक्स अराइज होती हैं। एडवांस जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अराइज होती हैं, तो उसको हम प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोलते हैं। उसका जो अपोजिट होता है वो रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है। तो ये भी हमारे गलत हो गए हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया सिमिलरिटी डेवलप्ड इन डिस्टेंट रिलेटेड ग्रुप। जो डिस्टेंट रिलेटेड ग्रुप होते हैं, जो मतलब कि जिनके इंसेस्टर डिफरेंट होते हैं, उनको हम डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप हैं उनके अंदर क्या होता है, डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप के अंदर सिमिलरिटी डेवलप्ड होती है, ओके? सिमिलरिटी डेवलप्ड इन फंक्शन मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट इंसेस्टर एंड सेम फंक्शन, ओके? जिसके इंसेस्टर अलग होते हैं लेकिन वो सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसको भी हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी, ओके? क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।